जिल्ले शार जो अली बिलाल से किया। मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी रात, फिर मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी उसकी कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई, पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन वो एक दीवाना था। तो उसको सोचें कि जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, झूठ बोला गया कि नहीं जी ये तो कोई पुरानी, जब उसको उठा के पुलिस लेके जा रही थी, आई विटनेसेस सामने हैं, सबको पता क्या हुआ, उसको उठा के लेके गए और उसको जब कत्ल किया, उसकी सड़क के ऊपर उसकी लाश फेंक दी। एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। यानी कौन अपने लोगों से ये करता है, कौन, जुर्म क्या था इसका? और वो जो जिल्ले शाह था, यहां सारी शाम मेरे घर के बाहर बैठा रहता था, सारे लोग उसको पसंद करते थे। वो एक ऐसा इंसान था, यानी वो किसी का कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी बाहर से, इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता था। और मुझे अफसोस यह है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का, मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका। और तकलीफ दे चीज यह है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया। और फिर 302 यानी उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पे डाल दिया है, 2 और मुकदमे डाल दिए हैं मेरे, अब तकरीबन 78 केसेस हो गए मेरे ऊपर, इसका कत्ल का भी डाल दिया। ये है पाकिस्तान में इस वक्त हालात।